इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ने वेतन की मांग करते हुए दिया ज्ञापन। बरेली में मदरसा आधुनिक शिक्षकों का मानदेय वेतन दिलाने की मांग करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर दिया ज्ञापन। मोहम्मद शकील ने बताया, शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला अधिकारी से मदरसों की भूमि सत्यापन की जाँच रिपोर्ट मांगी, जिसमें 3 जांच लगभग समस्त ब्लॉकों में हो चुकी है, किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट जिला सदस्य गठित टीम उप जिलाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी व खंड विकास अधिकारी के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बरेली को प्रेषित नहीं की गई। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बरेली द्वारा जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भिजवाने को पत्र जारी किए जा चुके हैं। अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या प्रकरण है पूरा बताएंगे? ऐसा है, मदरसा आधुनिक एक योजना चल रही है पूरे भारत सरकार में, और सन 2003 से इसमें सभी शिक्षक हैं, ज़्यादातर उसमें नियुक्त हैं, और इसका मानदेय है वो राज्य सरकार भारत सरकार दोनों के द्वारा मिलता है। तो हमारा अभी कुछ सालों का तो 20 का मानदेय गोल हो गया था, 4 साल का तो किसी को मिला ही नहीं है पूरे प्रदेश में, और जो अब मानदेय आ रहा है तो हर साल हो जाता है, लेकिन इस बार शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि सभी मदरसों की भूमि का सत्यापन होगा, और ब्लॉक स्तर से SDM से APS द्वारा, और उसके बाद में ये जाँच रिपोर्ट आने के बाद में ही मतलब मानदेय जारी किया जाएगा। तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, अभी लगभग 4 तहसीलों की, वो भी कुछ ब्लाक अभी उसमें भी रह गए हैं, 4 तहसीलों की ही जांच रिपोर्ट पहुंच पाई है, और बाकी 2 तहसीलों की अभी जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है, जिसमें खासतौर से सदर तहसील है और दूसरी पहेड़ी तहसील है, इनकी जाँच रिपोर्ट नहीं पहुँची है। तो हम जो यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए आए हैं कि DM साहब से हम ये ज्ञापन देंगे उनके द्वारा कि जो जिम्मेदार अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंपी है, जांच काफ़ी दिन की हो गई है कंप्लीट, तो अभी तक अल्पसंख्यक कार्यालय में नहीं पहुंची है। उनके ना पहुंचने की वजह से हमारे जो मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं वो आर्थिक तंगी से वैसे ही जूझ रहे हैं, बहुत लेट आया है सरकार से और वितरण नहीं हो पा रहा है मानदेय, तो जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्ट मंगवा के अल्पसंख्यक कार्यालय भिजवा दी जाए, जिससे हम सब लोगों का मानदेय मिल सके।